तो दोस्तों फाइनली इंडियन रेलवेज ने यहाँ पर एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंडियन रेलवेज में अगर हम टोटल स्टेशंस को देखें फिलहाल, तो वो है लगभग 7,349 रेलवे स्टेशंस, ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं। और इसमें से अब रिसेंटली न्यूज निकल कर आई है कि लगभग 6,000 रेलवे स्टेशंस पर इंडियन रेलवेज ने सक्सेसफुली वाईफाई फैसिलिटी इंस्टॉल कर दिया है। सो ये काफी बड़ा मार्क है इंडियन रेलवेज के लिए भी। यहाँ पर संडे को ही हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन, जो की हजारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में आता है, उन्होंने अनाउंस किया कि इस स्टेशन के साथ अब टोटल 6,000 रेलवे स्टेशंस पर सक्सेसफुली वाईफाई फैसिलिटी कमीशन हो चुका है। और ये जर्नी काफी तेज रही है इंडियन रेलवे की तरफ से भी। आपको याद होगा कि इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन जहां पर रेलवे ने वाईफाई फैसिलिटी शुरू की थी, तो वो था मुंबई। जनवरी 2016 का वो समय था, और अब 2021 मई में यहाँ पर 6,000 के मार्क को इंडियन रेलवे ने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस भी थे, जैसे कि सिक्योर नेटवर्क वाईफाई को प्रोवाइड करना टू मासेस। इसके लिए उन्होंने गूगल इंडिया के साथ टाइप किया था, जिसके चलते उन्होंने रेलटेल, जो कि इंडियन रेलवे का ही टेलीकॉम आर्म है, तो उसे फाइनली लॉन्च किया। यहाँ पर रेलवे के कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये जो वाईफाई फैसिलिटी इंडियन रेलवे के स्टेशन में मिल रही है, तो हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफी ज्यादा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो उसे काफी तेजी से बढ़ावा मिला है। इस प्रोग्राम के तहत अर्बन सिटीजन एज वेल एज रूरल विलेजेस, जहाँ पर इंटरनेट पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, लेकिन रेलवे ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अब गांव के स्टेशन में भी यहां पर आसानी से इंटरनेट की सुविधा मिल पा रही है। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहां पर यह है कि इसके इंस्टॉलेशन में तो हमें थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद से ये पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पर ही है। दैट मींस इंस्टॉलेशन के बाद यहां पर रेलवे को इसके ऑपरेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च नहीं करना पड़ता। आगे उन्होंने कहा कि अब इंडियन रेलवे के नेटवर्क में जितने भी रेलवे स्टेशन बचे हुए हैं, तो वहां तक हम रेलवे की वाईफाई फैसिलिटी को एक्सटेंड करेंगे, ताकि हम पूरे नेटवर्क को एक डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट कर पाए, जहां पर जनरल पब्लिक आसानी से रेलवे द्वारा वाईफाई की सुविधा को यूज कर सके। अब लिमिटेशंस की बात करें तो यहां पर कई सारे चैलेंजेस भी इन्हें फेस करने पड़े हैं। पिछले काफी समय से कई यूजर्स ने कंप्लेन भी किया था कि जो वाईफाई सर्विस दी जा रही है, तो ये अब एक्सेस नहीं हो पा रही है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी भी खबर निकल के आई कि गूगल अब बंद कर रहा है फ्री वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एट इंडियन रेलवे स्टेशंस। और उस पर फिर क्लैरिफिकेशन देते हुए रेलवे ने कहा कि नहीं, यहाँ पर स्टिल यूजर्स एक्सेस कर पाएंगे हमारे फ्री वाईफाई सर्विस को वाया रेलटेल। इसके अलावा यहाँ पर जो हाई स्पीड डेटा मिलता है, तो वो भी कुछ हद तक रेस्ट्रिक्टेड है। रफली आप कह सकते हो कि 1.4 GB तक आपको हाई स्पीड डेटा मिलेगा, फिर उसके बाद से यहाँ पर स्पीड काफी ज्यादा लो हो जाती है। वेल, इन सब चैलेंजेस के बाद भी आज के समय में हम कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे का भी यहाँ पर काफी बड़ा हाथ था एक डिजिटल रेवोल्यूशन लाने के लिए। यहाँ पर आपने काफी सारी पॉजिटिव न्यूज भी सुनी होगी कि जो रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे थे, जैसे कि कुली, तो उन्होंने रेलवे द्वारा ये प्रोवाइड किए गए फ्री वाईफाई की हेल्प से बड़ी बड़ी एग्जाम्स को क्लियर कर लिया, और आज के समय में वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। सो वी होप कि इसी साल के भीतर ये जो भी अब बचे हुए रेलवे स्टेशन है, तो इन्हें भी जल्द से जल्द रेलवे अपने वाईफाई फैसिलिटी के साथ जोड़ दे। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।